RRR Rise Roar and Revolt was officially announced in March 2018, but due to COVID-19 pandemic it was released on March 25, 2022. RRR is a film of Rajamouli, Ram Charan and Rama Rao. RRR film ko direct kiya hai SS Rajamouli ne, प्रोड्यूस किया है डीवी धनन्ने ने, इसका म्यूजिक दिया है एमएम कीरावली ने और इसका स्क्रीन प्ले भी एसएस राजा मौली ने ही लिखा है। इस फिल्म का बजट लगभग 550 करोड़ रुपए है। यह एक फ्रिक्शनल बेस्ड स्टोरी बेस है ऑन द लाइव्स ऑफ तेलुगु फ्रीडम फाइटर्स अल्लूरी सीतारमन, राजू एंड कोमा राव भीम। एनटी रामा राव ने इस फिल्म में कोमा राम भीम का किरदार निभाया है और अल्लूरी सीतारमन राजू का किरदार निभाया है रामचरण ने, जो किरदार भीम एक गोंड लीडर थे जो हैदराबाद के निज़ाम के अगेंस्ट लड़े थे और उन्होंने हैदराबाद की फ्रीडम के लिए काम किया था। जो रामचरण ने अल्लूरी सीतारमन का किरदार जो पर्दे पे निभाया है वो आंध्र प्रदेश के रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से लड़ाई करी थी। अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रेया सरन और स्टीफेंसन रॉय प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आए हैं। इस फिल्म में 2006 में देश का अनऑफिशियल फ्लैग दिखाया गया है, जो इस फ्लैग में तीन रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी है, बीच में पीले रंग की पट्टी है और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी है। इस फ्लैग को डिज़ाइन किया था चंद्रा प्रसाद बोस ने और या इसका स्वरूप बदलते बदलते अब या वर्तमान में इस स्वरूप में दिखाई देने लगा है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान द्वारा झंडे के वर्तमान स्वरूप को जुलाई 1947 में अपनाया गया था। फिल्म में दिखाए गए झंडे को जो 1909 में बेगान चौक कलकत्ता में फहराया गया था, जो अब वर्तमान में कोलकाता में सम्मिलित हो गया है। एसएस राजामौली द्वारा बनाई गई 2017 की फिल्म बाहुबली ने विश्व भर में 1810 करोड़ रुपए कमाए थे और हाल में रिलीज हुई आरआरआर ने भी 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। आरआर मौली की यह दूसरी फिल्म है जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह द कश्मीर फाइल्स मूवी के समान एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर के बनाई गई है और दर्शकों ने इस पर अपना खूब प्यार लुटाया है। और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।